हमारे को बहुत दुखी बात है। एक कलर्स चैनल में आने का रियलिटी शो को इंटीमेट करते हुए इंडिया वन बोल के एक रियलिटी शो आ रहा है, टेलीकास्ट होता है वो, उसको वो कलर्स टीवी चैनल में जो भी ये रियलिटी शो आ रहा है और रियलिटी शो को इमिटेट करते जलील नाम का एक लड़का ऊपर किरोसिन डाल लिया, डालने के जैसा रियलिटी शो में था वैसे करने के लिए ट्राई किया। वो 7 तारीख को हैदराबाद जहानुमा के पास, आज वो बच्चा गुजर गए। हम पहले से बालाला हक्कुल संघम के तरफ से ये चाइल्ड राइट्स वायलेशन हो रहा, ऐसा रियलिटी शोस या तेलुगु में हो या हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, ये रियलिटी शोस नहीं आना बोल के हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम 4 साल से रियलिटी शोस के अगेंस्ट के चलते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को लेकर वो बच्चों से गंदे गंदे बात कराना, नहीं तो वो बच्चे को सुबह से शाम तक ये इससे पहले आटा बोल के भी हैदराबाद में चला था, ये जी तेलुगु चैनल में, जी चैनल में और दूसरे चैनल्स में भी चला था, ऐसा रियलिटी शो अभी चल रहे हैं। इसके खिलाफ हम ट्राई कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा जो बच्चों को इसमें ला के उनको सुबह से शाम तक बिठाना करना, ये पूरा तो अपना ये चाइल्ड के हक के खिलाफ है। पहले से भी 4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि ये जो भी है ये रांग है बोल के, इसके खिलाफ ऑफ हमारा लड़ाई अभी बंद नहीं हुआ। ये हम हाईकोर्ट तक भी ले जाके ऐसा रियलिटी शो को बंद करने के लिए हमारा लड़ाई चलते रहते। और इस पर्टिकुलर इसमें जो आज जलील नाम का बच्चे का इंतकाल हो गया रियलिटी शोज के सिवा से, हम मांग रहे हैं कि ये चैनल के ऊपर क्रिमिनल केस होना चाहिए और रियलिटी शो जो भी है इमिडिएटली बंद करना चाहिए। इसके अलावा हम क्या है 50 लाख रुपए इनको मुनाफा देना, इनका फैमिली को मुनाफा देना बोल के भी हम मांग कर रहे हैं। ये मांग जारी होने तक ये हम कंटिन्यूसली इसके बारे में रियलिटी शोज़ के खिलाफ में हमारा लड़ाई जारी रहता है।